जो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, वो खाएगा पिएगा ऐश करेगा, क्या बेचारा ये गरीब लोग, उन लोग को क्या होएगा। अभी सब दुनिया उन लोग से नफरत है, ये तकला का वजह से और छाए वजह से, तकला का वजह से और छाए वजह से, तकला का वजह से और छाए वजह से। ये वीडियो देखा आपने किस तरीके से एक अरब देश का जो शेख है वो हमारे देश को लेकर लगातार इस तरीके की बातें कह रहा है, और क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे देश में अराजकता फैलाने वाले ऐसे तत्वों ने लगातार ऐसा काम किया है कि देश की नाक कटा के रख दी है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। पहली बार हमारे देश में इस तरीके का नाक कटवाने वाला काम किसी और ने नहीं, नुपुर शर्मा ने किया है। जी हाँ, बीजेपी प्रवक्ता है और लगातार इसी तरीके की बयानबाजी के साथ वो पेश आई हैं। इसी तरीके से और भी भगवाधारी है जो लगातार इसी तरीके से बयानबाजी देते हुए टीवी डिबेटों में आपको दिख जाएंगे, मगर उसी में एक नाम है नवीन जिंदल का। इन दो नामों ने पूरे देश में जो है हु हल्ला मचाया हुआ है, विश्व गुरु को विश्व गुरु नहीं रहने दिया, लगातार हमारे देश का डंका बज रहा है, लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो उनको लगातार यहां माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, लगातार अरब देश जिसमें कि कतर शामिल है, इराक है, कुवैत है, इन अरब देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगने के लिए कहा है। जी हाँ, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए बड़े अरब देशों ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एक बीजेपी प्रवक्ता ने बहुत महान काम किया है टीवी डिबेट पर बैठकर। जी हाँ, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयानबाजी की है मोहम्मद पैगंबर साहब पर, उसी के चलते लगातार नए मुद्दे गर्मा रहे हैं, और लगातार इसी तरीके से गोदी मीडिया जो ब्राह्मणवादी मनु लोग हैं वो लगातार इसी डिबेट के चलते नुपुर शर्मा के हक में बात कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया, और वहीं जो महंत लोग हैं वो लगातार नुपुर शर्मा की वाहवाही कर रहे हैं, शेरनी बता रहे हैं। सोचिए, वही नुपुर शर्मा जिसने देश की नाक कटवा दी, जिसने पूरे राष्ट्र को झुकने पर मजबूर कर दिया, पूरे अरब देशों के सामने एक देश की जो विसात थी उसको गिरा दिया, लगातार नुपुर शर्मा का डंका बज रहा है, उसको शेरनी बताया जा रहा है हिंदू महासभाओं के द्वारा, धर्म संसद के जो महान व्यक्ति लोग हैं वो उसका लगातार डंका बजा रहे हैं कि वो शेरनी है, जो एक शेरनी सब पर भारी पड़ी है। सोचिए कितने शर्म की बात है, जो एक टिप्पणी करने पर पूरे देश की नाक कटवा देती है उसको शेरनी बताया जा रहा है। इन जैसे लोगों पर लगाम कब लगेगी, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को भी लगातार ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बयान दिया और टिप्पणी दी है, उसी के चलते उसे फ्रिंज एलिमेंट कहा गया है। अब फ्रिंज एलिमेंट क्या होता है, हम आपको बताते हैं। फ्रिंज एलिमेंट होता है अराजक तत्व, जी हाँ, जो अराजकता फैलाते हैं। फिर इसी तरीके से और भी नाम है जो मैं आपको बताऊंगी। अनुराग ठाकुर, जिस तरीके से जामिया पर CAA को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, NRC MPR को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था मुस्लिमों के द्वारा, तो ये अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरीके की बयानबाजी दी थी और इसी तरीके की टिप्पणी की थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो --। इसी तरीके से उन्होंने भी कहा था, यानी कि बीजेपी को ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी की दाल इन ऐसे अराजकता फैलाने वाले तत्वों के बिना नहीं गल सकती है, या फिर बीजेपी पार्टी लगातार ऐसे ही लोगों की भर्ती कर रही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा तेज तर्रार तरीके से लड़ेगा, सबसे ज्यादा मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शोषित पीड़ित लोगों के खिलाफ जहर उगलेगा, तभी उनका जो बीजेपी पार्टी है उनका डंका बजेगा, तभी बीजेपी पार्टी का जो है नाम ऊंचा होगा। लगातार ऐसे लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के पद अधिकारी बन जाए, इसीलिए उसे फ्रिज
एलिमेंट कहा गया है। अब फ्रिंज एलिमेंट की मैंने आपको व्याख्या करके बता दिया है कि वो होते कौन है। अराजकता फैलाने वाले तत्व, जब वो ऐसे अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं तो ऐसे लोगों की भर्तियां कैसे कर ली जाती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में। लगातार वॉशिंग मशीन के नाम पर कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को भर्ती करती है और तब उनके जो दोष और पाप हैं वो धुल जाते हैं। इसी तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है सोशल मीडिया एनालिसिस हो रहा है, लगातार ऐसे लोगों को जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है कि जो टिप्पणी कर रहे हैं और जो नुपुर शर्मा के ट्वीट पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, तो उन पर भी जो है लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी भी जो ऐसे लोग जो नुपुर शर्मा की सपोर्ट में आकर खड़े होकर गलत सलत बातें कह रहे हैं और लगातार मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर फिर से टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे नफरती भड़काऊ बयान देने वाले लोगों की जरूरत ही पड़ती है बीजेपी को। आरएसएस में भी ऐसे ही लोग भर्ती होते हैं, तभी इतना बड़ा संघ जो है आरएसएस बीजेपी के लिए काम करता है और बीजेपी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। लगातार ऐसे चिकल्लस करने वाले लोग जो भारत को शाख को गिराने का काम करते हैं, लगातार जो नफरत फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। जिस देश में शिक्षा महंगी हो रही हो, रुपया गिर रहा हो, गरीब और गरीब हो रहा हो, अमीर और अमीर हो रहा हो, उसी देश में इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। जी हाँ, अरब देश बहुत बड़ा देश है जहां से आयात निर्यात होता है, सबसे बड़े करेंसी वाला देश है। जितनी भी इकोनॉमिक व्यवस्था है सारी की सारी इन खाड़ी देशों पर टिकी हुई है। उन्हीं देशों ने आज भारत देश को नकार दिया है, भारतीयों को नकार दिया है। लेकिन आप ये वीडियो फिर से देखिए। एक चाय वाला और तकला, खुदा कसम उसको बार करो, लुकना तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से, हम लोग दिल से प्यार करते हैं इंडिया से। लेकिन तुम लोग ये चाय वाला लाया और ये तकला लाया ना, ये तुम लोग को बर्बाद भी किया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओनली बर्बादी। तुम लोग क्यों ऐसा है यार, बदली करो, बदली करो, कसम से तुम्हारा इंडिया ग्रेट है। तुम लोग क्यों ऐसा करते हैं चाय वाला का वजह से या ये तकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। मुसलमान इंडिया कब तक चलेगा ये यार? देखा आपने ये शेख लगातार कैसे हमारे भारत देश की तारीफ कर रहा है, लेकिन दो लोगों के लिए वो लगातार कह रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि चाय वाला, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि चाय वाला कौन है। और उसी के चलते उन्होंने एक और नाम का जिक्र किया है, तो वो भी आप लोग जानते हैं कि वो कौन है। सिर्फ दो लोगों की वजह से लगातार इस तरीके से देश में हो रहा है। सोचिए, हमारे देश को इतना प्यार करते हैं ये कंट्री, जितने भी अरब देश हैं, मिडिल ईस्ट है, हमारे भारत देश के लिए इतना उनके दिलों में प्यार है, लेकिन एक नफरत फैलाने वाली ने इतनी नफरत फैला दी है। लगातार हमारे देश को झुकना पड़ रहा है, लगातार हमारे देश को ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कि जो आज तक हमारे देश में नहीं हुआ था वो सब हो रहा है। लगातार 8 सालों में इतनी नफरत कहां से आई? इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी इतिहास रचते हैं, क्योंकि इन्हें इतिहास रचने का बहुत बड़ा शौक है। लगातार ऐसे इतिहास रचते आए हैं कि कभी नोटबंदी कर दी तो इतिहास में आ गया, जिसमें CAA, NRC, NPR जैसे चीजें शामिल हैं तो देश में इतिहास रच गया। इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो इतिहास में आ गया। इतिहास में आना इन्हें बहुत पसंद है, इसी तरीके से बीजेपी अपना इतिहास रचती आई है। पिछले 8 सालों में इतिहास ही तो रचती आई है बीजेपी, इसीलिए इस देश में लगातार ऐसे मुद्दे आते हैं कि इतिहास बन जाते हैं और वो आने वाली किताबों में भी पढ़े जाएंगे। जी हाँ, इसी तरीके से यही इतिहास है और इतिहास को बनाते रहेंगे ये लोग। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है, जो हमारे देश में लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, वो लोग कौन है?
क्या उन पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो इस तरीके से हमारे देश में लगातार अराजकता फैला रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि प्रधानमंत्री जी पे घुमा फिरा के सारी बात जो है प्रधानमंत्री जी पे आती है कि क्या उनको पूरे देश के सामने आकर इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था? क्या हमारे देश में शांति के लिए उन्हें अपील नहीं करनी चाहिए थी? इतने सारे इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर कहीं पर भी कहते नहीं दिखते हैं, कहीं पर भी मंच पर जो है सामने आकर नहीं बोलते हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए था? क्या हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं या हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, क्या उनको नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि ये मुद्दा आंतरिक नहीं, हमारे देश का ही मुद्दा नहीं है, अब ये पूरी कंट्री में फैल चुका है, लगातार यूएई जैसे देशों में जा चुका है, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में जा चुका है, खाड़ी देशों में जा चुका है। क्या इन सब मुद्दों पर इन सभी जो पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजनेता, क्या उनको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? क्या उन्हें आकर अपनी प्रतिक्रिया के साथ लोगों में शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? लगातार इस तरीके के मुद्दे गर्मा कर हमेशा लोगों को बहस के मुद्दों में डालकर भटकाया जाता है। आज भी हमारे देश में यही हो रहा है और लगातार यही चलता आ रहा है। ये चाय वाला और तकला खुदा कसम उसको बार करो, लुकना तुम्हारा इंडिया वापस आएगा। इंडिया बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत प्यार है इंडिया से, कसम खाते पूरा अरब लोग प्यार है इंडिया से, हम लोग दिल से प्यार करते हैं इंडिया से। लेकिन तुम लोग ये चाय वाला लाया और ये तकला लाया ना, ये तुम लोग को बर्बाद भी किया और कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओनली बर्बादी। तुम लोग क्यों ऐसा है यार, बदली करो, बदली करो, कसम से तुम्हारा इंडिया ग्रेट है। तुम लोग क्यों ऐसा करते चाय वाला का वजह से या ये तकला का वजह से पूरा इंडिया को बर्बाद किया है, मुसलमान इंडिया, मुसलमान इंडिया, कब तक चलेगा ये यार? इस सब पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इन्हीं सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनहित आवाज। शुक्रिया। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज।